तो दोस्तों आईपीएल 2025 के लिए प्लेयर रिटेंशन की जो डेडलाइन थी वो अब खत्म हो चुकी है और सभी टीमों ने आधिकारिक तौर पे अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दिए है। अब जो जो प्लेयर्स रिटेन हुए हैं वो दोबारा अपनी टीम में तो खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो जो प्लेयर्स रिलीज हुए है वो सभी खिलाड़ी जाएंगे मेगा ऑक्शन में, मतलब आईपीएल के बिकने वाले बाजार में उतरेंगे। इस बड़ी नीलामी में इन सभी खिलाड़ियों पे फिर से बोली लगाई जाएगी। तो ऐसे में कौन सा खिलाड़ी किस टीम में जाएगा ये किसी को नहीं पता है, और इस बार तो मेगा ऑक्शन में काफी बड़े बड़े नाम होंगे, बड़े धुरंधर खिलाड़ी होंगे, जैसे ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद शमी, ईशान किशन जैसे बड़े खिलाड़ी ऑक्शन में उतरेंगे तो माहौल तो बनेगा ही, क्योंकि काफी बड़े बड़े खिलाड़ी अपनी अपनी टीम से बाहर हुए हैं। तो इस बार का मेगा ऑक्शन बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर होगा और उससे भी ज्यादा रोमांचक होगा आईपीएल 2025 का ये सीजन, क्योंकि सभी 10 टीमें पूरी तरह से बदल चुकी है। तो ऐसे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा टीम किस प्लेयर को रिटेन किया है और किसे टीम से बाहर निकाला है। तो एक एक टीम के पूरी खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे, बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मुंबई इंडियंस की रिटेंशन की। तो मुंबई इंडियंस की टीम ने कुल 5 प्लेयर्स को रिटेन किया है। इस टीम ने काफी शानदार रिटेंशन की है। अब इस टीम के पास एक आरटीएम कार्ड होगा मेगा ऑक्शन में और इस टीम ने मेगा ऑक्शन से पहले अपनी टीम से कुल 22 प्लेयर्स को अपनी टीम से बाहर किया है। तो मुंबई इंडियंस की टीम से रिलीज होने वाले प्लेयर्स के नाम कुछ इस प्रकार से है, जिसमें पहला नाम ईशान किशन का है, उसके बाद डोवाल्ड ब्रेविस, हार्दिक देसाई, टिम डेविड, विष्णु विनोद, अर्जुन तेंदुलकर, मोहम्मद नबी, रोमियो सेफर्ड, शम्स मुलानी, निहाल बढ़ेरा, गोराल्ड क्वेत्जी, अंशुल कम्बोज, नमन धीर, शिवालिक शर्मा, कोयना मफाका, पीयूष चावला, कुमार कार्तिक के सिंह, आकाश माधवल, लुको वुड, दिलशान मधुशंका, सुरेश गोपाल, नुमान थुसारा। बात करें दूसरी टीम की तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स। अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने भी मेगा ऑक्शन से पहले प्लेयर्स रिटेंशन में कुल 5 प्लेयर्स को इस टीम ने रिटेन किया है। इस टीम के पास भी एक आरटीएम कार्ड होगा मेगा ऑक्शन में और इस टीम ने मेगा ऑक्शन से पहले अपनी टीम से कुल 21 प्लेयर्स को रिलीज किया है। तो चेन्नई सुपर किंग्स से बाहर होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट कुछ इस तरह से है। डोवेन कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, शौक राशिद, समीर रिजवी, अवनीश राव, मिचेल सेंटनर, मोइन अली, निशांत सिंधु, अजय मंडल, रचिन रविंद्र, शार्दुल ठाकुर, डेरिल मिचेल, रिचर्ड ग्लेसन, राजवर्धन, दीपक चहर, महेश तीक्षणा, मुकेश चौधरी, मुस्तफिजुर रहमान, प्रशांत सोलंकी, समरजीत सिंह, तुषार देश पांडे। अब तीसरी टीम की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अब आरसीबी की टीम ने प्लेयर रिटेंशन में सिर्फ 3 प्लेयर को ही रिटेन किया है, बहुत सरप्राइजिंग है। इस टीम ने ना ही कैमरून ग्रीन को रिटेन किया है, वो तो वहाँ पे समझ में आती है कि कैमरून ग्रीन फिलहाल इंजर्ड है, लेकिन इस टीम ने ना तो विल जैक्स को रिटेन किया, ना ही ग्लेन मैक्सवेल को, ना ही मोहम्मद सिराज को और ना ही फाफ डुप्लेसिस को। तो काफी बड़े बड़े नाम आरसीबी की टीम ने रिलीज किए है अपनी टीम से। अब इस टीम ने सिर्फ 3 प्लेयर्स को रिटेन किया है तो इस टीम के पास 3 आरटीएम कार्ड होगा मेगा ऑक्शन में और इस टीम ने अपनी टीम से कुल 22 प्लेयर्स को बाहर किया है। तो आरसीबी से बाहर होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट कुछ इस प्रकार से है, जिसमें हाफ डुप्लेसिस, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, सुयस प्रभु देसाई, विल जैक्स, सौरभ चौहान, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर, करण शर्मा, कैमरून ग्रीन, स्वप्निल सिंह, मयंक डागर, मनोज बांगर, आकाश दीप, अलजारी जोसेफ, लॉकी फर्गुसन, मोहम्मद सिराज, टॉम करन, रिस टॉपली, हिमांशु शर्मा, राजन कुमार, वैश्यक विजय कुमार। तो वही चौथी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, पिछले साल की चैंपियंस, जहां पे टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में तीसरी बार आईपीएल की चैंपियन बनी थी आईपीएल 2025 में। लेकिन आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले इस टीम ने अपने ही आईपीएल विनिंग कैप्टन श्रेयस अय्यर को टीम में रिटेन नहीं किया, उन्हें टीम से बाहर कर दिया और ये काफी शॉकिंग न्यूज थी सभी के लिए। अब मेरे हिसाब से तो श्रेयस अय्यर को 110% टीम में रिटेन होना चाहिए था, लेकिन इस टीम ने श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया, अपने आईपीएल विनिंग कैप्टन को ही टीम से बाहर कर दिया। अब केकेआर के टीम ने कुल 6 प्लेयर्स को रिटेन किया है। अब ऐसे में इस टीम के पास मेगा ऑक्शन में एक भी आरटीएम कार्ड नहीं होगा। केकेआर ने अपनी टीम से कुल 17 प्लेयर्स को रिलीज किया है। तो केकेआर के टीम से बाहर होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट कुछ इस तरह से है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है पिछली बार की चैंपियंस कप्तान श्रेयस अय्यर का, उसके बाद रहमानुल्ला गुरबाज, नीतीश राणा, सरफेन रथरफोर्ड, फिल शॉट, केस भरत, मनीष पांडे, अंग क्रिस रघुवंशी, अनुकूल राय, वेंकटेश अय्यर, सुयश शर्मा, अल्लाह
गजन, दुष्मंता चमेरा, साकिब हुसैन, वैभव अरोरा, मिचेल स्टार्क, चेतन सकरिया। अब पांचवी टीम की बात की जाए तो वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर संजीव गोयनका ने केएल राहुल को रिटेन नहीं किया, उन्होंने टीम से रिलीज कर दिया। फिर उसके बाद संजीव गोयनका का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को रिटेन किया है जो टीम के लिए खेलते हैं, ना कि अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए। तो ये कहीं ना कहीं संजीव गोयनका केएल राहुल की बेइज्जती करते हैं। और संजीव गोयनका और केएल राहुल के बीच बहस भी हुई थी बीच आईपीएल लास्ट ईयर ऑन कैमरा। तो मेरे हिसाब से तो केएल राहुल के साथ पहले भी जाती हुई थी और अब भी इनके साथ अच्छा नहीं करते है। हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स से रिलीज होने का फैसला ये केएल राहुल का है, ना कि लखनऊ सुपर जायंट्स का। तो एलएसजी ने कुल 5 प्लेयर्स को रिटेन किया अपनी टीम में। ऐसे में इस टीम के पास एक आरटीएम कार्ड होगा मेगा ऑक्शन में, और इस टीम ने अपनी टीम से कुल 21 प्लेयर को रिलीज किया है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स से बाहर होने वाले सभी खिलाड़ियों की लिस्ट कुछ इस प्रकार से है, जिसमें सबसे पहला नाम केएल राहुल का है, उसके बाद देवदत्त पडिकल, क्विंटन डीकॉक, एस्टन टर्नर, दीपक हुड्डा, कृष्णप्पा गौतम, कुणाल पांड्या, कायली मारियस, मार्कस एस्टोनिस, एमडी अरशाद खान, प्रेरक मकांड, युद्धवीर सिंह, अरशीन कुलकर्णी, डेविड विल्ली, शिवम मावी, समर जोसेफ, मैट हेनरी, यश ठाकुर, अमित मिश्रा, नवीन उल हक, एम सिद्धार्थ। अब बात करें छठी टीम की तो वो है सनराइजर्स हैदराबाद। अब मुंबई इंडियंस हो या फिर चेन्नई सुपर किंग्स या फिर सनराइजर्स हैदराबाद, इन तीनों ने कहीं ना कहीं अपनी सबसे बेस्ट रिटेंशन की है। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले हैदराबाद की टीम ने अपने सबसे बेस्ट कोर टीम में रिटेन कर लिया है, चाहे पैट कमिंस हो या फिर ट्रेविस शेड हो या फिर हेनरी क्लासेन हो या फिर अभिषेक शर्मा। और इस टीम ने यंग टैलेंटेड ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को भी टीम में रिटेन किया है। तो एसआरएच की टीम ने मेगा ऑक्शन से पहले कुल 5 प्लेयर्स को रिटेन किया है। ऐसे में इस टीम के पास एक आरटीएम कार्ड होगा मेगा ऑक्शन में, और हैदराबाद ने अपनी टीम से कुल 21 प्लेयर्स को रिलीज किया है। तो हैदराबाद की टीम से बाहर होने वाले सभी खिलाड़ियों के नाम कुछ इस प्रकार से है: अब्दुल समद, एडन मार्करम, राहुल त्रिपाठी, ग्लैन फिलिप्स, मयंक अग्रवाल, अनमोल प्रीत सिंह, उपेंद्र सिंह यादव, मार्को जॉनसन, वाशिंगटन सुंदर, सनवीर सिंह, वानिंदु हसरंगा, आकाश सिंह, शहबाज अहमद, भुवनेश्वर कुमार, फजल हक फारूकी, जयदेव उनाडकर, टी नटराजन, उमरान मलिक, मयंक मारकंडे, जयदेव सुब्रमण्यम, विजय कांत। अब सातवी टीम की बात करें तो वो है दिल्ली कैपिटल्स। अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने ऋषभ पंत को ज्यादा भाव इस वजह से भी नहीं दिया क्योंकि इस टीम में ऑलरेडी दो दो विकेट कीपर मौजूद है। एक विदेशी विकेट कीपर ट्रिस्टन स्टबस है, शानदार बल्लेबाजी के साथ साथ अच्छी खासी विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। और दूसरे है अभिषेक पोरेल, जो काफी यंग टैलेंटेड शानदार विकेट कीपर बैट्समैन है। तो जब टीम में दो दो विकेट कीपर हो तो आप मस्का क्यों लगाओगे ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत ने जो डिमांड रखी थी उसे पूरा नहीं किया दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने, और इस वजह से ऋषभ पंत ने टीम में ना खेलने का फैसला लिया। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने शानदार विकेट कीपर बैट्समैन और ऋषभ पंत को ही टीम से रिलीज कर दिया। तो दिल्ली कैपिटल्स की रिलीजिंग प्लेयर्स कुछ इस प्रकार से है: ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, पृथ्वी शो, यश धूल, जैक फ्रेजर, साई होप, स्वास्तिक चिकारा, हैरी ब्रूक, रिक्की भुई, कुमार कुशाग्र, ललित यादव, मिचेल मार्स, गुलबुद्दीन नाइब, सुमित कुमार, प्रवीण दुबे, विक्की ओसवाल, एंड्रिक नॉर्थजी, खलील अहमद, ईशांत शर्मा, जे रिचर्सन, लिज्जत विलियम्स, मुकेश कुमार, रसिक धर। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 के लिए अपना कोड भी बरकरार नहीं रखा। इस टीम ने सभी प्लेयर्स को अपनी टीम से रिलीज कर दिए, सिर्फ दो ही अनकैप्ड प्लेयर को इस टीम ने रिटेन किया है। अब पंजाब किंग्स ने ना तो अर्शदीप सिंह को रिटेन किया, ना ही सैम करन को, ना ही लियम लिविस्टिंग को। इस टीम ने अपनी टीम से कुल 22 प्लेयर्स को बाहर किया है, और इस टीम ने जब दो प्लेयर्स को रिटेन किया है तो इस टीम के पास कुल 4 आरटीएम कार्ड होगा मेगा ऑक्शन में। तो पंजाब किंग्स से बाहर होने वाले प्लेयर्स के नाम कुछ इस प्रकार से है, जिसमें पहला नाम है अर्शदीप सिंह का, दूसरा नाम जितेश शर्मा, जॉनी बेस्ट्रो, लियम लिविस्टिंग, हरप्रीत भाटिया, रिले रिसु, क्रिक्स वॉक्स, विश्वनाथ प्रताप सिंह, आशुतोष शर्मा, तनय त्याग रंजन, अर्थव टैडे, ऋषि धवन, सैम करन, सिकंदर राजा, शिवम सिंह, प्रिंस चौधरी, हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह, कागिसो रावाडा, नाथन इलेस, राहुल चहर, विद्युत करियप्पा, हर्षल पटेल। बात करें नौवीं टीम की तो वो है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कुल 6 प्लेयर्स को टीम में रिटेन किया है। ऐसे में इस टीम के पास एक भी आरटीएम कार्ड नहीं होगा मेगा ऑक्शन में, और इस टीम ने अपनी टीम से कुल 16 प्लेयर्स को रिलीज किया है। सरप्राइजिंग रिलीज है, सबसे बड़े मैच विनर जोश बटलर, ट्रेंट बोल्ट जैसे खिलाड़ी को रिटेन नहीं किया है। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम से बाहर हुए है जोश बटलर, कुणाल राठौर, डोनोवैन फेरिया, रोमन पॉवेल, शुभम दुबे, टॉम कोलहर, रविचंद्र अश्विन,
अश्विन, तनुष कोटिया, अबीद मुश्ताक, अवेश खान, कुलदीप सेन, नवदीप सैनी, केशव महाराज, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, नांद्रे बर्गर। अब बात करें दसवीं और आखिरी टीम की तो वो है गुजरात टाइटन। अब गुजरात टाइटन की टीम ने कुल 5 प्लेयर्स को रिटेन किया है। ऐसे में इस टीम के पास एक RTM कार्ड होगा मेगा ऑक्शन में, और इस टीम ने अपनी टीम से कुल 23 प्लेयर्स को बाहर किया है, जिसका नाम है डेविड मिलर, मैथ्यू वेड, विद्यमान साहा, केन विलियमसन, बीआर शरद, अभिरम मनोहर, दर्शन नालखंडे, विजय शंकर, उजमतुल्ला उमरजई, संदीप वॉरियर, गुदनूर बरार, जयंत यादव, मोहम्मद शमी, कार्तिक त्यागी, सुशांत मिश्रा, स्पेंसर जॉनसन, नूर अहमद, साई किशोर, उमेश यादव, जसूला लिटिल, मोहित शर्मा और मानव तुषार। तो ये था IPL 2025 के लिए सभी 10 टीमों की कंफर्म रिलीज प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट। बाकी आपको बताना है कि कौन सा टीम किसको रिलीज करके कितनी बड़ी गलती की है और कौन सा टीम सबसे मजबूत स्थिति में है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए, और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।